हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग पिलाने। मुँ तपन आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्चे आम यूट्यूब चैनल ओडिशा प्राइमरी स्कूल को। तो आज भिडियो आम नाइन्थ क्लास पिलाकर जो आग को एफ ए वन एग्जाम आसए वन ठीक अच्छे ये एफ ए वन आस ए वन एग्जाम आम चैनल बर्तमान प्रिपेरेसन स्टार्ट होती। तो जो पिलाने आम चैनल बर्तमान नुआ अच तो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देकि ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो, जहाँफल जितेबले वीडियो अपलोड रही है कि लाइव क्लास रही है तो सर्वप्रथम तुम पाक नोटिफिकेशन जीव ठीक अच्छे। तो आम पूर्व वीडियो रे तुम फर्स्ट चैप्टर जो रही प्राइसलेस गिफ्ट से किसी एमसीक्यू डिस्कशन कर सारी। तो यहाँ गोटे रिवाइज टाइप तुम क्लास रोटे कि आम तुम सब सेकंड चैप्टर रही द स्विमर हु डज नॉट नीड हर लेग्स ठीक अच्छे। से ही चैप्टर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कशन करू। तो जो मैंने भी वर्तमान लाइव रे अच्छा जो आम लाइव चैट चलीजे से लाइव चैट मध्यम यार आंसर गुड़ाक तुमने देदेपर ता सहित मुझे यार क्वेश्चन गुड़ाक बुझेदे सहित आंसर गुड़ाक मुझे ठीक अच्छे। आ समस्त आंसर गुड़िक वाच करुँ देखुची समस्त आंसर तो ना पढ़ी पारे ठीक अच्छे। बहुत पिला कही सर कहीं ना डिक्लेयर करना देख पर जिते पे वीडियो देखुं तो से प्रॉब्लम हो ठीक अच्छे। से ना कहीं डिक्लेयर करूनी तो समस्त आंसर को मुझे वाच कर। तो चलो स्टार्ट करिबा जो सब क्वेश्चन रही। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन कौन कौन व्हाट वाज जानकी स्ट्रोक बाय। तो जानकी के रोग से पीड़ित थे कौन हो करेक्ट आंसर फटाफट कर राइट आंसर ऑप्शन बी जो मैंने दौ पोलियो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो दुई नंबर क्वेश्चन जानकी वाज एबल टू स्विम द इंग्लिश चैनल एट द एज ऑफ डेस। तो जानकी से इंग्लिश चैनल स्विमिंग करने सक्षम होते कौ बयस एट द एज ऑफ कौन जीव राइट आंसर ऑप्शन डी जो मैं लिखो 19 19 वर्ष बयस ठीक अच्छे। बुझल दुटा क्वेश्चन एवं चलो तीन नंबर क्वेश्चन देखा कौन कौन तीन नंबर क्वेश्चन कहला तुम जानकी क्रिपिल्ड लेग्स डिड नॉट स्टैंड इन हर वे टू बिकम ए टैलेंटेड डेस। तो तांकर जो क्रिपिंग लेग रही से भिन्नक्षम थी से भिन्नक्षम गोटे टैलेंटेड डेस हबारु वंचित करना माने दिगरे बाधा सृष्टि करना टैलेंटेड कौन हो राइट आंसर ऑप्शन सी सी स्विमर हबार से क्रिपेड लेग जो रही से कौन बाधा सृष्टि करना। तापर देख चार नंबर क्वेश्चन जानकी वाज स्ट्रोक बाय पोलियो इन डेस। तो जानकी जो पोलियो द्वारा आक्रांत होते के तो राइट आंसर कौन रही है चार नंबर राइट आंसर रही है ऑप्शन ए 1987 मसीह ठीक अच्छे। ऑप्शन ए जो मैंने लिखो करेक्ट रही आंसर। एबे देखो पांच नंबर क्वेश्चन तुम कहला द नेरो पासेज दैट सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस इज द डैश। तो से इंग्लैंड और फ्रांस को जो सेपरेट करुच्ची नेरो पासेजटा गोटे रही तो से कौन कह जाए से तुम कह इंग्लिश चैनल ठीक अच्छे। मैप्रे भी चाहिए देखिपर ऑप्शन बी रहा करेक्ट आंसर। छ नंबर क्वेश्चन को देख जानकी गॉट द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू स्विम इन द इंग्लिश चैनल व्हेन सी डेस। तो जानकी पाखे गोटे आईडिया आसाला धारणा आसाला कौटि पहरबे ना इंग्लिश चैनल केटा से धारणाटा के राइट आंसर ऑप्शन ए वाज एज चाइल्ड जितेबाला से पिला थिला सेते बड़ो तांको मन रे ए धारणाटा आसीथिला बुझिल। एबे देखो सात नंबर क्वेश्चन व्हेयर डिड जानकी बिगिन हर ट्रेनिंग आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द चैनल अथॉरिटीज। तो चैनल अथॉरिटीज पक्षरु परमिशन पाया परे जानकी कोठर तांकर तालीम आरंभ करथिले तो एट मालपी ना इन द आरबीएससी इन द बंगल इन बंगलोर ना इन द चैनल वाटर राइट आंसर रहिबो तुम्हारा ऑप्शन सी जोटा इन बंगलोर ठीक अच्छे। तो बांगालोर से तालीम आरंभ करते। नेक्स्ट देखो आठ नंबर क्वेश्चन आठ नंबर कौन कौन बुझा एनसर कर चल समस्ते निजे निजे प्रश्न पढ़ी भी एनसर कर किसी असुविधा नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन द स्विमिंग सॉरी द स्विमर शुड बी एबल टू स्पेंड एटलिस्ट डेज आवर्स कंटिन्यूअसली इन द वाटर। तो स्विमिंग जो चैनल थी इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन तर गोटे कंडीशन रही सर्त रही जे जड़े स्विमर से एबल टू स्पेंड एटलिस्ट केते घंटा कंटिन्यूअसली से पानी भितर पहरवा उचित
तो तांकर कंडीशन रही थिला तो केते घंटा 10 आवर्स कोन रहबो 10 आवर्स ऑप्शन बी 10 आवर्स तो समस्त रिवाइज भी करिनियो जो माने पढ़ी सच्चो बहुत भलो कथा तो तांको पई रिवाइज हिजबो क्लास टी 9 नंबर क्वेश्चन देखो हाउ मेनी इयर्स डिड जानकी स्पेंड एट बंगलोर फॉर हर ट्रेनिंग तो बंगलोर से केते वर्ष स्पेंड करथिले बितेथिले ट्रेनिंग पई तो 9 नंबर राइट आंसर तमन कोन रहबो फटाफट करो जो मैंने भी लिखुच ऑप्शन डी 4 इयर्स हो तुम्हारा करेक्ट आंसर ओके 4 वर्ष एवं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन तो 10 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देखा हु वाज द आई एनआईएस कोच एनआईएस कोच इन बंगालोर किए थे ना राइट आंसर हो तुम्हारा ऑप्शन बी मिस्टर गोपाल मन रख एनआईएस कोच जो बंगालोर रे थिले मिस्टर गोपाल तापर व्हाट इज एनआईएस एनआईएस रो फुल फॉर्म आगिज एनआईएस रो फुल फॉर्म कोन हिजबो करो देखि फटाफट कहिलो राइट आंसर तुमा टाइप ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कोन टाइप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ता परवर्ती क्वेश्चन 12 नंबर विथ द हेल्प ऑफ डेस जानकी वेंट टू द कोस्टल टाउन ऑफ मालपी तो कहा सहाज्य रे जानकी कोस्टल टाउन ऑफ मालपी को जाइथिले तो यार राइट आंसर रहि जबो कोन ऑप्शन सी थीमिया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर ठीक अछि थीमिया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर रे सहायता रे बा सहाज्य रे जानकी कोस्टल टाउन ऑफ मालपी को जाइथिले बुझेला ऑप्शन सी जो मान लिखुछ बहुत बढ़िया एबे देखो परवर्ती क्वेश्चन 13 नंबर व्हेयर डिड जानकी बिगिन हर ट्रेनिंग एट द कोस्टल टाउन ऑफ मालपी तो कोस्टल टाउन ऑफ मालपी रे जानकी कोउठारे तांकर तालीम आरंभ करथिले तो यार राइट आंसर हिजबो कोन राइट आंसर हिजबो ऑप्शन बी इन द अरबियन सी अरबियन सी रे अरब सागर रे तांकर तालीम से आरंभ कर दैथिले बुझिलो एबे देखो नेक्स्ट जीवा 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कौन कौच देख हाउ लॉन्ग डिड जानकी स्पेंड एट मालपी तो केते समय से मालपी रे से कोस्टल टाउन ऑफ मालपी रे बिताई थिले स्पेंड कर थिले केते टाइम राइट आंसर दिबो 3 वीक्स 3 सप्ताह सेठी से बिताई थिले आ तालीम नहीं थिले तापर देखो 15 नंबर हु वाज द कोच ऑफ जानकी एट मालपी तो से मालपी रे जो कोस्टल टाउन ऑफ मालपी जो अरबियन सी तांकर कोच किए थे जानकी कोच रही थे दिनेश शुभान्ना किए थे दिनेश शुभान्ना मन रख देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर 16 नंबर तुम क्वेश्चन कहला जानकी लर्न टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द अरबियन सी बाय स्विमिंग ए मिनिमम ऑफ डेज ए डे तो मिनिमम से गोटे दिन केते किलोमीटर स्विमिंग करते जोबले से लर्न शिक्षा करते अरबियन सी कौन है जीवो राइट आंसर ऑप्शन सी 20 किलोमीटर चिंता करो गोटे दिन से 20 किलोमीटर स्विमिंग करते परवर्ती क्वेश्चन जीवा 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कौन कौच देख हु कंट्रीब्यूटेड द मनी जानकी नीडेड फॉर द अटेम्प्ट तो जानकी जो अटेम्प्ट पैसा दरकार करते तो से किए पैसा देते कंट्रीब्यूट करते तो है जीवो कौन द गवर्नमेंट भी देते ए फ्यू प्राइवेट एजेंसी भी किसी रही है भी कंट्रीब्यूट करते दान देते सेवराल फ्रेंड्स रही है तेणु ऑल द एबव हो तुम करेक्ट आंसर जोटा ऑप्शन डी रही बुझल ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कौन कौच लक्ष्य कर व्हेन डिड जानकी एंड हर पेरेन्ट्स लिव फॉर इंग्लैंड तो केबे जानकी आर पितामाता इंग्लैंड को बाहरी जाइए तो राइट आंसर रही कौन ऑप्शन सी इन द मिडिल ऑफ 1992 तो 1992 मसीहार मिडिल डे से बाहरी जाइए तापर देख 19 नंबर क्वेश्चन हु वेयर शॉक्ड टू सी जानकी प्रैक्टिसिंग इन द इंग्लिश चैनल तो क्यों मैंने शॉक जाइए आश्चर्य जाइए जो जानकी इंग्लिश चैनल रे प्रैक्टिस करते किए सक ना ऑप्शन बी रही है तुम्हारे कौटा जोटे चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल थी से देखिकी जो गोटे
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେ କିପରି ଏତେ ଇଏରେ ପହଁରି ପାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଅ ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଚ୍। ତ କିଏ ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟର। କିଏ ଥିଲେ ନା? ଅପସନ୍ ବି, ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖୁଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ଚାନକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଚ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ଜାନକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଫେମସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କୋଚ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଷ୍ଟେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜାନକି କେତେ ସମୟ ଧରିକି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ? କେତେ ସମୟ ଧରିକି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 3 weeks, 3 ସପ୍ତାହ। ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଡେସ୍ ସ୍ୱିମର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏ ରିଲେ ଟିମ୍। ତ ଗୋଟେ ରିଲେ ଟିମ୍, ଗୋଟେ ସୋଲୋ ଟିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେ ଟିମ୍ ଅଛି। ତ ରିଲେ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱିମର୍ ଥାଆନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ନା? 6 ସ୍ୱିମର୍, 6 ଜଣ ସ୍ୱିମର୍ ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଳ। ରିଲେ ଟିମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଦଳ ଟିମ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର, ଇନ୍ ଜାନକୀ ଟିମ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ୱିମର୍ସ ୱେୟାର୍ ଡ୍ରେସ୍। ତ ଜାନକୀର ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱିମର୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ 6 ଜଣ ଦଳରେ ଥିଲେ, ତ କେଉଁଠିକାର ଥିଲେ ସେମାନେ? ଇଂଲିଶ ନା ଆମେରିକାନ୍ସ ନା ଜାପାନିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ସେମାନେ ଆମେରିକାନ୍ସ ଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆମେରିକାନ୍ସ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ହୁଆର୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଇନ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଜାନକୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଇ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଡଭାର। ଡଭାର ବିଚ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଇଠି ସେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଜାନକୀ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ସୋଲୋ ଆଟେମ୍ପ୍ ବିକଜ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ଡେସ୍ ଟୁ ଏ କମ୍ପାନୀ ହେୟାର। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱିମିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ, ଜାନକୀଙ୍କୁ ସୋଲୋ ଆଟେମ୍ପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡିନାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଲାଉ କରିନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକାକୀ ସୋଲୋ ହେଲା, ଏକାକୀ ଏକାକୀ ଆଟେମ୍ପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ବିକଜ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ଡେସ୍ ଟୁ ଏ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଏ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ସହଯୋଗ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନଥିଲା? ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବୋଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସରି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବୋଟ୍, କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଟ୍ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଅନର୍ ଜାନକୀ, ତ ଜାନକୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ବା ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ଦ ଅଦର୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ନେମ୍ଡ ହାର୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଏଜ୍ ଡେସ୍। ତ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର ମେମ୍ବର୍ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ନେମ୍ ଏଜ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଜାନକୀସ୍ ମେରି ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାନକୀସ୍ ମେରି ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। କାହାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ? ଜାନକୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଜାନକୀ ମେକ୍ ହାର୍ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତ ଜାନକୀ ତାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେବେ ନେଇଥିଲେ ବା କେବେ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, 28 ଜୁଲାଇ 1992 ସେ ତାଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେନ୍ ଜାନକୀ ମେଡ୍ ହାର୍ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାଟର୍ସ ୱେୟାର୍ ଡ୍ରେସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ୱାଟର୍ କେମିତି ଥିଲା? ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପାଣି କେମିତି ଥିଲା? ପାଣି ଥିଲା ବହୁତ କୋଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି କୋଲ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ ରହିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର, 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ କିପ୍ ଷ୍ଟିକିଙ୍ଗ ଟୁ ଜାନକୀ ବଡ଼ି। ତ ଷ୍ଟିକିଂ ମାନେ ଲାଗିକି ରହିବା, ଜାନକୀଙ୍କ ଦେହରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ରହିଯାଉଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ ସି ୱାଜ୍ ମେକିଂ ହାର୍ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାଟର୍। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପହଁରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ କିଛି ଲାଗିଯାଉଥିଲା ବଡ଼ିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ନା? ସେଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଜେଲିଫିସ୍, ସେ ଜେଲିଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାଟର୍ରେ ପହଁରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 30 ନମ୍ବର ଆଜିର, ଡ୍ୟୁରିଂ ହର୍ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଜାନକୀ ସ୍ୱାମ୍ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ ଡେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାଟର୍। ତାଙ୍କର ସେଇ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଜାନକୀ ସ୍ୱାମ୍
फर एवर डे शो केत घंटा धरिकी से चैनल वाटर शो पहुँची यार राइट आंसर रे कहो कौन हम 2 आवर्स माने 2 घंटा धरिकी कंटिन्यू 2 घंटा धरिकी से ये चैनल वाटर पहुँची। ठीक अच्छे ये थी तुम 30 टी एमसीक्यू डिस्कशन कले एटा पार्ट वन वीडियो रहा तो यार नेक्स्ट वीडियो तुम आउ किसी जो टेस्ट क्वेश्चन रही है डिस्कशन करवा। ठीक है आशा करी वीडियो निश्चित भाव तुमको हेल्पफुल होती वीडियो भल लगे सांगसाथी मानक सेयार करदेव तेज देखा नेक्स्ट वीडियो रे रोचे। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।